भारत में जिस तरह से मोदी राजा आ जाने के बाद गदर मच गया है, शायद ही ऐसा गदर भारत देश में कभी और प्रधानमंत्री के समय में मचा हो। रोजगार के नाम पर युवाओं को गालियां और डंडे मिल रहे हैं, विकास के नाम पर योजना महंगाई दी जा रही है, गरीबों के कल्याण के नाम पर रोजाना गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, और इन सब पर सरकार से जवाब मांगने के बजाय गोदी मीडिया सीधा सरकार की गोद में जा बैठ गई है। और भाजपा हमेशा की तरह मोदी का गुणगान कर रही है और कह रही है कि अच्छे दिन आ चुके हैं और मोदी का जादू कभी रुकने वाला नहीं है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि सच्चाई क्या है। असल में खुद अब गुजरात में मोदी की सरकार जाने वाली है, उनका किला ढहने वाला है, और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं कि वहाँ लोगों के सिर से ऊपर पानी जा चुका है और वो भाजपा को सत्ता से उतार फेंकना चाहती है। जिसका जीता जागता सबूत है राहुल गांधी की गुजरात रैली में उमड़ा जनसैलाब, जिसकी वीडियो आपको देखनी चाहिए कि किस तादाद में लोग राहुल गांधी की रैली में गुजरात में उमड़ आए और जमकर मोदी के विरोध में नारेबाजी भी की। आप एक बार ये वीडियो देखिए और खुद फैसला कीजिए कि क्या सच में अब गुजरात में मोदी और भाजपा के दिन लगने वाले हैं। आप वीडियो देखिए। बता दें कि गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का अभियान तेज हो गया है और इसी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को गुजरात पहुंचे थे और जहां उन्होंने आदिवासी बेहुल दाहोद में आदिवासी सत्याग्रह रैली को संबोधित किया और उस समय भारी जनसैलाब उनकी बातों को सुनने पहुंच गया। वहीं राहुल गांधी ने रैली में पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि मोदी जिस गुजरात मॉडल की बात करते हैं उसमें दो भारत हैं, एक आम लोगों का, दूसरा अमीर लोगों का। आगे राहुल गांधी ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ में कहा कि किसानों का कर्ज माफ होगा और धान 2050 प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार खरीदेगी। हमने जो कहा था वो करके दिखाया। हम आपसे मिलकर समझना चाहते हैं कि आदिवासियों के लिए क्या करना है। अभी दो से तीन लोग ही सरकार चला रहे हैं, अब नया गुजरात बनाना होगा। हम गुजरात को ऐसा मॉडल देंगे जिसमें हम सब मिलकर काम करेंगे, इसके लिए युवाओं को एक साथ खड़ा होना होगा। वहीं रोजगार के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में 30,000 लोग रोजगार ढूंढने रोज निकलते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ 400 लोगों को रोजगार देते हैं। मंच पर बैठे हुए अल्पेश ठाकुर की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप इस जनता को शांत रहने के लिए कहते हैं कि, लेकिन अब ये शांत नहीं रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि इस आवाज को न दबाया जा सकता है न खरीदा जा सकता है। ये गुजरात की आवाज को पूरी दुनिया के पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि गांधी जी की आवाज को भी अंग्रेजों ने दबाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने सुपर पावर को भगा दिया, लेकिन मोदी जी इसकी कोई कीमत नहीं है। इस खबर में सिर्फ इतना ही, वहीं ऐसी और भी खबरें पाने के लिए MIM News Express को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।